क्या आप चाहते हो व्हाट्सएप पर जो भी मैसेज आए तो मैसेज आने के बाद अपना मोबाइल भी वाइब्रेट हो लेकिन आपको पता नहीं ये कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि जो भी व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा तो मैसेज आने के बाद अपना मोबाइल भी वाइब्रेट होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किसी ने आपको मैसेज सेंड किया है व्हाट्सएप पर। तो आइए जान लेते हैं कैसे करते हैं। तो WhatsApp पर जो भी मैसेज आए वो वाइब्रेट होने लगे तो इसके लिए अब सबसे पहले आपको WhatsApp पर जाना है। WhatsApp में आने के बाद ऊपर की तरफ राइट साइड में तीन डॉट है उस पर क्लिक करना है, जाना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद नोटिफिकेशन में जाना है और नोटिफिकेशन में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो वाइब्रेशन। अगर ये वाइब्रेशन ऑफ है और आपको जो भी व्हाट्सअप मैसेज आता है तो व्हाट्सअप में मैसेज आने के बाद वाइब्रेट नहीं होगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट रखते हो तो व्हाट्सअप पर जो भी मैसेज आएगा तो वो वाइब्रेट होने लगेगा। इसी के साथ अगर आप शॉर्ट में रखते हो तो व्हाट्सअप जो मैसेज वाइब्रेशन होगा वो शॉर्ट होगा और अगर आप लॉन्ग रखते हो तो वो वाइब्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा देर तक रहेगा। इसी के साथ ये सिंगल पर्सन के लिए यहाँ पर देख सकते हो मैसेज सेक्शन में ये वाइब्रेशन है, मतलब ये सिंगल पर्सन जो भी आप सिंगल कोई भी बंदा है आपको मैसेज सेंड करता है तो उसके लिए ये सेटिंग है। अगर आप ग्रुप की सेटिंग के लिए चाहते हो कि ग्रुप में जो भी ग्रुप में मैसेज आए तो उसका वाइब्रेशन ना हो तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो ग्रुप में मैसेज आए वो ग्रुप में मैसेज आने के बाद अपना मोबाइल भी वाइब्रेट हो तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखना है। और अगर आप शॉर्ट या लॉन्ग चाहते हो वाइब्रेशन तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि कॉल आने पर अपना मोबाइल वाइब्रेट हो तो आपको ऑन डिफ़ॉल्ट रखना है। अगर आप कुछ आप चाहते हो कि कॉल आने पर अपना मोबाइल वाइब्रेट ना हो तो ऑफ रखना है। और अगर आप चाहते हो शॉर्ट लॉन्ग तो ये अपनी मर्जी के अनुसार रख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि वाइब्रेशन होना चाहिए ताकि आपको इजीली पता चलता है कि कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आया है। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से व्हाट्सएप पर वाइब्रेशन ऑन कर सकते हो, व्हाट्सएप कॉल या फिर मैसेज या फिर ग्रुप में।